और यार ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये फीलिंग लेने के लिए लोग दुबई जाते हैं। तो जी शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आपके लिए मंगलमय हो, कोरोना से निजात मिले, बात बाकी भगवान की मर्जी जैसा होना है। तो यार आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं जो अदालतगंज के पास पहले तालाब था, जो कि कचरा पड़ा पड़ता था, सबको ऑलमोस्ट पटनावासी जानते ही होंगे, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, फिर से बनाया गया है, जिसको जीर्णोद्धार कहते हैं वो उसका किया गया है। और उसमें शुरू हुआ है लेजर शो, अभी जस्ट 4 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे हम और दिखाएंगे आपको, और बहुत अच्छे भाई पटना में बहुत अच्छे से दिखाएंगे लेजर शो, बिकॉज एक गोल घर में स्टार्ट हुआ था फिर वो बंद हो गया, बट यहाँ अभी स्टार्ट हुआ, अब इसको भी देखते हैं कब तक चलता है, बट जब स्टार्ट हुआ है तो आपको दिखाना हमारा फर्ज बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल पर नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ वो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को कम से कम अपने 4-5 कॉन्टैक्ट के साथ शेयर जरूर करना, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करो। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। पहुंच चुके हैं उस अदालतगंज के तालाब पे जहां होनी है लेजर शो, टाइम पे हम हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं हम और दिखाते हैं आपको कैसा होता है। बिकॉज अभी तक आपने सोचा होगा, एक तो गोल घर में चला था कुछ दिन पर फिर वो बंद हो गया था, अभी तक आपने सोचा होगा यार ये लेजर शो तो फॉरेन में होते हैं, बट हमारी बिहार गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है, इस पे काम कर रही है ताकि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट आए, हमारे यहाँ भी टूरिज्म से कुछ पैसे आए। भाई अल्टीमेट गोल तो पैसा ही आना होता है ना, प्रॉफिट आए हमें, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिहार सरकार के द्वारा। तो चलते हैं हम भी अंदर और देखते हैं हम और दिखाते हैं आपको। जगह पे आप ये मत सोचना ना कि सिर्फ लेजर शो होता है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत अच्छा पार्क बनाया गया यार इस जगह पे। कभी मतलब लोग आना नहीं चाहते थे बिकॉज बहुत गंदा रहता था, तो क्यों ही आएंगे, बट आज इस जगह को मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से साफ करवाया, बहुत अच्छे से टूरिज्म डेवलप कराया इस जगह पे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप ऐसा भी काम कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में। और यार ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये फीलिंग लेने के लिए लोग दुबई जाते हैं, और ये मतलब ऐसे लेजर शो मेनली फॉरेन में होते थे पहले, बट अब ये बिहार सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है कि पर्यटन हमारे यहाँ भी आए, टूरिज्म हमारे यहाँ भी डेवलप हो, तो उसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। और उनका ये मतलब उनका ये जो स्टेप है ना,
टूरिस्ट को रियली अट्रैक्ट करेगा इस जगह पे। तो हम तो आए हैं, देख रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पे तो भाई कमेंट जरूर करना कि आपने पहली बार बनाया है, या फिर आप जरूर यहाँ आओ एक बार विजिट करो। शाम में 6:30 के अप्रोक्स स्टार्ट होता है। कहीं भी घूमने जाने के लिए पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही आता है पैसा। तो भाई अभी बिल्कुल एंट्री फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन, कोई मतलब गाइडलाइन ऐसा नहीं आया कि भी कितना पैसा लेना है, कितना टिकट लगाना है। बना सकती है टिकट, घर तक भी बना हुआ है, बट पैसा नहीं लग रहा है यार। तो मेरा ख्याल यही रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक पैसा नहीं लगा है तब तक आकर घूम लो, और या फ्री में अगर घूम रहे हो, फ्री में कहीं जाकर एंजॉय कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक बार घूम लो, अगर पैसे लगेंगे फिर भी घूमो यार। अगर 25-30 रुपया देने से जो भी टिकट लगता है, अगर किसी का आधा घंटा एंजॉयफुल रहता है, तो पैसा देना वर्थ इट होता है हमेशा। आते हो यार इस तालाब में लेजर शो का आनंद उठाने के लिए, तो आपके पीछे दिख रहा होगा आपका ये है स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ अगर आते हो तो आराम से बैठो, आराम से आधे घंटे तक एंजॉय करो, अपने डे को एंजॉय करो यार। सामने लेजर शो देखो, ये है स्टेडियम टाइप स्ट्रक्चर, और ये देखो ये है तालाब जिसमें चलता है लेजर शो। सामने से देखने का ना यार अलग ही मजा होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर विजिट करो यहाँ पर। साथ सुजीत तो नहीं है वीडियो में, मतलब व्लॉग बनाने आया नहीं, आज वो कहीं और था, बिजी था। तो आज हमारे साथ दूसरे भैया हैं। हाँ सर, कैसा लगा घूमने आ करके? बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने मतलब उतना दिन से मैं पटना बिहार में हूँ, लेकिन मैंने आज तक इतना अच्छा लेजर शो बिहार में नहीं देखा था। एग्जैक्टली भाई, ऐसे ना फॉरेन में होते थे, दुबई इसके लिए पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको बिना कुछ लगाए हुए देखने मिलता है। कहावत है ना कि घूमना सबको पसंद है, फ्री का घूमना उससे ज्यादा पसंद। नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा क्या लगता है? खाना। और सब उससे भी ज्यादा अच्छा क्या लगता है? फोकट का खाना। तो यार ये था हमारा आज का अदालतगंज में जो लेजर शो शुरू हुआ है उसका व्लॉग। व्लॉग कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके तो जरूर ही बताइएगा। बट उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होगी यार कि ऐसे वीडियोस को शेयर करो, बिकॉज आप शेयर नहीं करते हो। मैं देखता हूँ वीडियो देखा जा रहा है बट शेयर ही नहीं हो रहा है सर। तो वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चल सके हमारे बिहार में, बिहार के पटना में ऐसा कुछ नया चीज़ शुरू हुआ है। बहुत कम लोग जान रहे हैं, अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, बट ये जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की कि इसको पॉपुलर कराना है। और गाइज अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।